अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, बसरा टिप्स डॉट कॉम और बसरा आर्टिकल्स डॉट कॉम की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट अहमद बसरा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आ रहा हूं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पाकिस्तान भर में किसी भी मोबाइल नंबर का डाटा चेक कर सकते हैं कि ये नंबर किसके नाम पर है, किस आईडी कार्ड के अगेंस्ट ये रजिस्टर्ड है और इसका पता क्या है। क्योंकि दोस्तों, बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जो आजकल आपको तंग करते हैं और आपको पता नहीं होता है, आप जान नहीं पाते ये कौन है। तो इसके लिए आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से अपने घर पर रहते हुए अपने मोबाइल फ़ोन में ही आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको किसी किस्म के पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। इससे पहले ऐसे जो भी दोस्त जो अभी तक हम जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि वो नई नई वीडियोज़ देख सकें। तो आइए प्ले स्टोर पर चलते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए हमें एक्चुअली दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होंगी अलग अलग से। पर्सन, ये देखें पर्सन ट्रैकर मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आ गई जी सबसे पहले ऊपर एप्लीकेशन पर्सन ट्रैकर बाय मोबाइल फ़ोन नंबर इन पाकिस्तान। ये मेरे पास चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे मेरे पास ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये अपने मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये इसका लोगो है। दूसरी एप्लीकेशन आपको एड यहाँ पर जो इंस्टॉल करनी है वो है पर्सन आईडी ट्रैकर। ये मेरे पास ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये पर्सन आईडी ट्रैकर ये भी मेरे पास इंस्टॉल है और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ कि किस तरह से हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस भी मोबाइल नंबर का डाटा ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास पर्सनल ट्रैकर ये इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक सेल नंबर और क्रेडिट्स 100 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके नीचे आपको दो और बटन नज़र आ रहे हैं, सर्च और अर्न क्रेडिट्स। दोस्तों, क्रेडिट्स ये है कि इनको इस्तेमाल करते हुए आपको किसी भी एक नंबर के लिए आपको 100 क्रेडिट्स चाहिए। तो ये अर्न क्रेडिट के बटन पे आप क्लिक करें, ये तो ये देखें क्रेडिट इस ये बिल्कुल फ्री है। आपको एक ऐड देखना है 30 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए पहले ये गेटिंग रिवार्ड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ये एक ऐड शुरू हो जाएगा। आपको 30 सेकेंड के लिए इस ऐड को देखना होगा, ठीक है, बगैर क्लोज़ किए हुए। तो जब ये ऐड क्लोज़ हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये हमने यहाँ से इसको म्यूट कर दिया, या क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं था। 30 सेकंड हमने इस ऐड को देखना है। इस एक ऐड के बदले में हमें ये कंपनी 100 क्रेडिट्स दे देगी। तो इस तरह से हम यानी एक ऐड को देखकर एक नंबर का डाटा चेक कर सकते हैं। ये देखें अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये देखें जी क्रेडिट्स 200 हो गए मेरे पास, क्योंकि मेरे पहले चले आइए हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं। ये मैं अपना ही नंबर लिख लेता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है, मैं ये लिखता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये सर्च पे क्लिक किया, एक चीज़ और बता दूँ कि ये बिल्कुल ये ऐड एक आया, इसको क्लोज़ करते हैं। ये देखें जी ये इन्होंने मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा आ गया, उसके नीचे सेल नंबर, उसके नीचे एड्रेस, ठीक है, मेरा डिस्ट्रिक्ट और सुबह जितना मेरा इस नंबर के अगेंस्ट है। इसके अलावा अभी देखें इसके नीचे दो और ऑप्शन आ रहे हैं, गेट CNIC और बैक। हम गेट CNIC भी करते हैं अगर हमें शिनाख्ती कार्ड नंबर भी चाहिए। ये देखें दूसरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गई है। इसमें भी इसी तरीके से हमें पहले क्रेडिट्स अर्न करना होंगे, ठीक है, क्रेडिट्स अर्न करने के बाद 100 क्रेडिट्स हमें चाहिए, दोबारा से यहाँ पर फिर वही नंबर लिखेंगे जो वहाँ पर हमने लिखा है। तो ये हमें CNIC का डाटा भी प्रोवाइड कर देगी ये एप्लीकेशन। यानी ये एक ही एप्लीकेशन के दो हिस्से हैं, या आप ये समझ लें कि एक हिस्से में आप CNIC हासिल कर सकते हैं और एक हिस्से में आप नाम और पता जान सकते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 100% एक्यूरेट नहीं देता डाटा, यानी लेकिन 80% तक ये डाटा बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन नंबर्स का भी ये डाटा देगा वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनमें ये एप्लीकेशन डाटा फाउंड नहीं कर सकती है। लेकिन चूँकि ये बिल्कुल फ्री है तो इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है हमें। तो ये देखें यहाँ पे फिर क्रेडिट्स 100 आ गए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फिर मैं वो अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, वही जिसका हमने पहले डाटा लिया है, ये सर्च पे क्लिक किया। और ये देखें जी ये इन्होंने ये ऐड क्लोज़ करते हैं, इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट मेरा CNIC नंबर भी दे दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर गेट नेम पर जाएंगे, ये नीचे देखें फिर दो ऑप्शन है बैक और गेट नेम, तो ये दोबारा से उसी एप्लीकेशन में अवेले जाके वही नाम और वो एड्रेस वाला ऑप्शन पर आ जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको हम मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह हम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बना सकें। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी एप्लीकेशन के बारे में कोई वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स में लिखिए मुझे, आप मेरे सोशल नेटवर्क पे लिंक्स पे रब्ता कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी बेहतरीन किस्म की वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकूँ। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।